अब क्या करते हैं, ये क्या है, ये है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हेन सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर गिवन, व्हेन सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट आर गिवन, व्हाट द रूट्स आर, अगर सम और प्रोडक्ट दिए हो रूट्स के तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट क्या हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब देखो आप यहां ऐड करो, अल्फा बीटा को ऐड करोगे तो क्या देख रहे हो, dd वाली टर्म कट जाएगी, तो अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस b / a। अगर आप अल्फा इंटू बीटा को करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको, 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, क्या होगी, b स्क्वायर माइनस d / 4a स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हो, जब सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिए हो, बी ए ए बी सी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए को। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है कि सम ऑफ द रूट दिए हुए हैं, सम दिया हुआ है आपको रूट का 3, प्रोडक्ट दिया हुआ है 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस 6। ठीक, तो हम क्या, हमने अब तक क्या क्या देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट क्या होंगे, माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए, माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए, और फिर क्या हमने देखा कि आपके जो है, अगर आपका ए बी सी अगर रेशनल नंबर हो और आपका डी परफेक्ट स्क्वायर हो तो आपका रूट क्या होता है, रेशनल होता है। फिर मैंने क्या, हमने क्या देखा कि अगर आपका ए बी सी रेशनल नंबर हो, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो रूट्स क्या होते हैं, कंजुगेट सब्स के फॉर्म में होते हैं। जैसे अगर एक रूट अगर 2 प्लस रूट 3 है, दूसरा रूट तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 होगा। लेकिन अब एक बताओ, अगर एक रूट आपका रूट 3 है तो दूसरा रूट क्या होगा, माइनस रूट 3। कन्फ्यूज नहीं होना है, रूट क्या गया बस माइनस लगाना है। उसके बाद हमने देखा कि अगर फॉर्मेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्या होगा, अगर जब सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिए होंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इंटू जीरो, जहां पे सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस ऑफ सम ऑफ द रूट क्या होता है, सम ऑफ द रूट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी तो वही है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी बाय। ठीक, क्लियर है, अगर मान लो ऐसा कुछ है माइनस फाइव एक्स प्लस सी, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, दो रूट मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, डी हम नहीं लगाते, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाते, हम इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या करते हैं, फाइव को स्प्लिट करो
एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू टू है ठीक। अब देखो इसमें क्या है आपका, ये क्या है सम ऑफ द रूट क्या है अल्फा प्लस बीटा, फाइव आ रहा है, फाइव किसके बराबर क्या लिख सकते हो माइनस ऑफ माइनस फाइव बाय वन माइनस ऑफ ठीक। अब अल्फा इंटू बीटा क्या लिख सकते हो टू वन थ्री रूट से अल्फा बीटा, लेट्स से अल्फा बीटा क्या टू इंटू थ्री सिक्स है, सिक्स है और इसे क्या लिख सकते हो सिक्स बाय वन इक्वल टू सी ठीक। तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे सॉल्व कर सकते हो। जब आपके परफेक्ट स्क्वायर अगर dm हो, जैसे अगर आपके परफेक्ट डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो आराम से, तो डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या फिर आप उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद चलो x को जीरो रखते हैं y की वैल्यू थ्री जीरो थ्री ठीक, वन रखते हैं वन फाइव ठीक। ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करा है, जहाँ x एक्सिस को कट करा वहाँ y की वैल्यू जीरो होगी, ये क्या हो गया जीरो माइनस थ्री बाई टू ठीक। बट यहाँ पे हमको ग्राफ प्लॉट करना है किसका, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बीस वही काम करते हैं, देखते हैं क्या शेप आता है। देखते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ठीक है, यहाँ पे ये जीरो नहीं है। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, वैल्यू रखो एक्स की वैल्यू मान लो वाई का वैल्यू है, कोई क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री ठीक, एक्स की वैल्यू जीरो रखो वाई की वैल्यू थ्री, एक्स की वैल्यू वन रखो वन प्लस टू वन प्लस थ्री सिक्स, एक्स की वैल्यू टू रखो फोर प्लस थ्री सेवन ठीक। उसके बाद एक्स की वैल्यू हम रखते हैं फोर क्या है सोलह प्लस तीन उन्नीस, उन्नीस प्लस आठ सत्ताईस ठीक। एक्स की वैल्यू माइनस वन रखो क्या है वन प्लस थ्री फोर, फोर माइनस टू टू, एक्स की वैल्यू माइनस टू रखो फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन माइनस टू फाइव, एक्स की वैल्यू आप रखो थ्री माइनस थ्री रखो नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस टू सिक्स, एक्स की वैल्यू माइनस फोर रखो क्या है सिक्सटीन प्लस थ्री नाइनटीन, नाइनटीन माइनस एट इलेवन ठीक। अब प्लॉट करो देखो कैसे चलता है आपका,